मंडलायुक्त जयंत नालिकर एवं डीआईजी राजेश डी मोदक ने शुक्रवार को गुरु गोरखनाथ सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल एवं गैलेंट इस्पात फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने दोनों स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं उद्योग संचालन की स्थिति का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार से अनुपालन न होने पर मंडलायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशक सिविल एयरपोर्ट को नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्राइवेट एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से कहा कि वे यात्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। गैलेंट इस्पात फैक्ट्री में लगभग 2000 कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं। फैक्ट्री अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित हो रही है। मंडलायुक्त ने गैलेंट इस्पात के पावर प्लांट एवं छड़ निर्माण प्लांट आदि का निरीक्षण किया कर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त डीआईजी एवं एसडीएम ने गैलेंट इस्पात फैक्ट्री परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहजनवा गैलेंट इस्पात फैक्ट्री के चंद्र प्रकाश अग्रवाल मयंक अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।